हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही तगड़ा पावर बैंक बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए प्लास्टिक का पाइप लिया हूँ और इसका सीट बनाकर मैं यहाँ पर इसका देख सकते हैं किस तरह बॉक्स बनाया हूँ। अगर आपके पास ऐसे बॉक्स ना हो तो MDA बोर्ड का बना सकते हैं। MDA बोर्ड का बहुत अच्छे से काम करेगा फ्रेंड्स। आप इसकी डायमेंशन देख सकते हैं, आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन 6 सेंटीमीटर है। 6, आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका 8.5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 8.5 और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। मैं जितना चाहूँ उतना ही सिर्फ बना रहा हूँ, तो आप जिससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बनाइएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब कंप्लीट हो गया। तो इसके हम मेन पार्ट बैटरी पे आते हैं फ्रेंड्स। मायने न रखता कि आप कौन सा बैटरी यूज करते हैं, बस आपका देखिए ये मोबाइल का बैटरी है। ये मेरे पास 5-6 बैटरी है, बट मैं यहाँ पर 3 यूज करूँगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका प्लस माइनस मैंने ऊपर का जो इसका मशीन होता है ना उसको निकाल दिया है, डायरेक्टली है ये। तो आप देख सकते हैं 2 और 1, मतलब 1 लगा सकता था बट बैटरी एक फूल गया था, छोटा वाला। बड़ा वाला है, बड़ा वाला इसमें नहीं आएगा, इसलिए 3 यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा बड़ा बॉक्स बनाइए और उसमें यूज कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा फ्रेंड्स। पूरा टेस्टिंग वगैरह भी करवाऊँगा। तो आप देख सकते हैं, आपके पास मोबाइल की बैटरी नहीं है तो आप लिथियम आयन बैटरी भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं कहूँगा कि आप लिथियम आयन बैटरी ही यूज कीजिए, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी मेरे पास 2 ही पड़ा था, इसलिए नहीं यूज किया हूँ। इसका प्लस माइनस आपको दिखता है, बहुत आसान सा इसमें हो जाता। तो आप लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें ज़्यादा बैकअप देगा ये। मोबाइल की बैटरी से ज़्यादा बैकअप लिथियम आयन बैटरी देता है। तो आपको क्या करना है, जिसे सोल्ड करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस प्लस को और माइनस माइनस को जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से सोल्ड करना है। मेरे से थोड़ी अनहोनी हो गई थी, जो आपको बाद में दिखा दूंगा उस वीडियो को, क्या हुआ था मेरे साथ। जब मैं सोल्डिंग कर रहा था तो दोनों तारे में शॉर्ट कर गया, तो इतना आगे जैसे फेंका फ्रेंड्स, आप देखकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तो वायर सोल्डिंग हो चुका है, दूसरा वायर में सोल्डिंग कर रहा था, दोनों तार एक ही में चपक गया। तो इतना हरा लुत्ती फेंका फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप लुत्ती का अंदाज़ा देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना हरा फ्रेंड्स, इतना नाइक्रोम वायर भी नहीं गर्म होता है फ्रेंड्स। तो फटाफट से मैं इसे सोल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं तीनों बैटरी को मैंने सोल्ड कर लिया है। अब सोल्ड किस तरह करना है आप जानते ही हो, आपको क्या करना है, प्लस प्लस और माइनस माइनस में तीनों बैटरी का जोड़ देना है। अब जितना आपके पास होगा उतना, इसका MS ज़्यादा हो जाएगा बट वोल्टेज उतना ही रहेगा। तो आपका इसे बैटरी चार्ज मोबाइल का इतना अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मॉड्यूल, यहाँ पर मैं पावर बैंक मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। इसमें 3 UPS है, मेरे पास ये पुराना पड़ा था, बहुत पुराना ही हो गया है, और मैं आपको यहाँ पर सोल्ड करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से सोल्ड करना, ये सोल्ड उतना अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि पुराना था। तो मैं यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास सोल्ड ना हो तो मैं यहाँ पर, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ किस तरह सोल्ड किया जाता है, तो होगा तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दोनों वायरों को सोल्ड कर दिया, तो किस तरह ब्लिंकिंग कर रहा है। यहाँ पर 50% चार्ज है, 2 बल्ब थोड़ा कम काम करता है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली जल रहा है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक स्विच लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं बीच में एक स्विच लगा दिया, जब इसे मैं दाबूंगा उस तभी ऑन होगा, वरना ऑफ रहेगा। मैं स्विच नहीं लगाता तो ये ऑन ही रहता, तो ज़्यादा बैटरी का बैकअप बहुत कम हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर स्विच लगा दिया है कि इसका बैकअप थोड़ा अच्छा मिले। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने फास्ट फॉर्मेट में, यह ग्लू गन है, इसे गर्म हो जाता है उसके बाद मैं चिपकाऊँगा। तो गर्म हो चुका है फ्रेंड्स मेरा ग्लू गन, और देखिए इस स्विच को मैंने चिपका दिया है। ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं आपको सारा चीज़ चिपका कर दिखाऊँगा तो। ग्लू गन के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपके पास नहीं है तो जाकर वहाँ से परचेस कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छा ग्लूकोन काम करता है। फेवक्यूब आप मत लगाइएगा, फेवक्यूब ख़राब कर देगा अपने मॉडल को, तो आप मॉडल के साथ फेवक्यूब का यूज मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे पीछे मैं सारा मतलब अच्छे से चिपका दूंगा इस ग्लूगन की सहायता से। ग्लूगन आप चाहते हैं तो बहुत अच्छे से काम करता है, वो चाहें तो आप मॉडल निकाल भी सकते हैं ग्लूगन को हटाकर, इसलिए ग्लूगन का यूज किया जाता है इसमें। आप चाहें तो इस मॉडल को निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, और बैटरी वगैरह के सब कुछ अच्छे से फिक्स कर दिया हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए पुश स्विच को पुश कर रहा हूँ तो ये ऑन हो रहा है, फिर से ऑफ हो जा रहा है। तो अब मैंने स्विच इसीलिए लगाया है कि अच्छे से काम करे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो कापी किताब होता है उसका कुछ गटर लिया हूँ इस टाइप का, थोड़ा रंगीन में दिखे, और उसके बाद फेवक्यूब के द्वारा हम चिपकाएंगे। आपके पास फेवकोल हो तो उसके भी अच्छा काम करेगा, फेवकोल भी लगा सकते हैं, बट ग्लूगन मत लगाइएगा इसमें, इसमें ग्लूगन काम उतना नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फेवक्यूब के द्वारा अच्छे से पूरा चिपका दूंगा इसी गोल राउंड में। अगर आपके पास बढ़िया सा बॉक्स हो तो उसमें आप बनाइए और अपने घर के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं बना फ्रेंड्स, हम पावर बैंक बना 3000 mAh का, जो हमारा एक बैटरी का mAh है 1000, किसी का 1300 भी है और किसी का 1000 भी है, तो मतलब हम 1000 पकड़ के चलते हैं तभी हमारा 3000 mAh का हो गया। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा लगाइए और अच्छे से आपका काम करेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसे मैं जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं सारे को कट कर दूँगा। यहाँ पर मैं टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाऊंगा। टेस्ट करवाने के लिए फ्रेंड्स मेरे पास बड़ा वाला मोबाइल है तो उसमें नहीं, छोटा वाला मैं लगाऊंगा। तो चलिए टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रेंड्स इसका टेस्टिंग देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर पावर बैंक का कुछ आपको लुक दिखा देता हूँ किस तरह दिख रहा है, उसके बाद मैं टेस्ट करवाऊँगा। देख सकते हैं मैं पुश स्विच किया, ये ऑन हो गया। तो आपके पास अगर डायरेक्टली होगा तो आप स्विच लगाइएगा, अगर आपका मोबाइल में लगाने के बाद ऑन होगा तो मत लगाइएगा। ऐसे कर कर आप बिजली घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आपको बैटरी थोड़ा ज़्यादा लेना है। मैं थोड़ा बैटरी कम लिया हूँ इसलिए इसका बैकअप थोड़ा कम होगा। तो देख सकते हैं छोटा फ्रेंड्स, मेरे घर एक ही बड़ा मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं छोटे वाले से चेक करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सही का निशान गया फ्रेंड्स, हम लोग का चालू हो गया चार्ज होना। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप बैटरी को थोड़ा ज़्यादा लें और बढ़िया से इसको बनाएं, तो 100% आपका बड़ा से बड़ा भी मोबाइल चार्ज होगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।